बाप रे गलती हो गई। आ जाओ 1 2 3 स्टार्ट। हेडलाइन पता क्या होगी कल? मंत्री जी ने तोड़ा यूट्यूबर का हाथ। नहीं नहीं ऐसा नहीं। शीशे में देख के क्या बोलते हो अपने आप को? हाउ क्यूट आई एम। यू कैन आल्सो फिश? या मगर मैं जाता हूँ तो मच्छी हंसते रहता है। क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? पकड़ नहीं पाता हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर को हंसते नहीं है। Why दो? हंसते हंसते होम मिनिस्टर रहेगा तो थोड़ी होगा, कोई मानेगा उसको? पान बहुत खाते हैं यहाँ पे और थूकते बहुत हैं, थोड़ा कुछ करो इस कल्चर का। इस बार से बोल दूंगा कि मत थूको अंदर डाल दो। कोई पॉलिटिकल किस्से बता दो फनी सर। पॉलिटिकल फनी होता है? आपने इंटरव्यू नहीं देखा छत्तीसगढ़ सीएम में? मैंने देखा है। फनी नहीं लगा आपको? बेचारा। इसीलिए इतने सीरियस आए हो ना आज? वो देखने के बाद मेरा कोप से हट गया। एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा था, यूजुअली वॉशरूम के लिए जा रहा था। हाँ। तो वो जगह क्रॉस कर रहा था। हाँ। तो वो अच्छा सा स्त्री जो था वो नाच रहे थे, तो मैं भी, और वो जो फ्लेक्स जो है ना वो हाथ वाथ में लगा हुआ था, डांस करते करते कर दिया, उसका बाद निकल गया। अभी कौन से कोपचे वाले आदमी ने वो फोटो ले दिया, जैसे कि अनफिल्टर्ड बाय संदेश, इनका ही देखो बहुत लंबा है। हो गया? जो पूरा शहर दिख जाए ऐसी लोकेशन चुनी है हमने कि भाई इतनी दूर आए हैं पता तो लग जाएगी नागालैंड में है। ये भाई चर्च यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है यहाँ की पॉलिटिक्स में, ट्राइब यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। प्रोहिबिशन 80s में, प्रोहिबिशन क्या मतलब? दारू नहीं, लीगली नहीं मिलती है। वैसे तो भाई आप सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोहिबिशन है वहाँ वहाँ क्या होता है। तो प्रोहिबिशन है, ट्राइबलिज्म है, सिस्टम में करप्शन बहुत है, चर्च का कितना रोल है। बहुत कुछ पता लग गया नागालैंड के बारे में। पता था आपको? नहीं पता था ना, हर ट्राइब की अपनी भाषा। पता था सबका अपना खाना है, सबकी अपनी भाषा है, कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है। पता था अभी भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग की डिमांड होती है? पता था? नहीं पता था ना। इन्होंने एक भाषा बनाई जिसमें सारे ट्राइब्स एक दूसरे से बात कर पाए और बाहर के लोगों से भी बात कर पाए, जिसका नाम नागामीज है। पता था? नहीं पता था ना। ऐसी ही चीजें पता लगाने के लिए नागालैंड बीजेपी, नागालैंड में भी बीजेपी है। पता था क्या? नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, अलायंस में जूनियर पार्टनर है नंबर्स में। उसी बीजेपी के स्टेट चीफ का इंटरव्यू लेने आ गए हैं। अपनी हिंदी के लिए फेमस हैं, अपने सेल्फ डेप्रिकेटिंग, अपनी खुद की बॉडी शेमिंग और ये सब करने के लिए फेमस हैं। टंजन इमना, हेलो। ओहो, तालियां हो जाए, तालियां बजाओ यार। वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडरफुल। यू नो व्हाट आई वाज अबाउट टू डू, वी कैन टेक इट अगेन इफ यू कैन वॉक अगेन। आई विल बी स्लीपिंग and you wake me up, you'll be like sorry Sandeep, I was late but wake up, ek bar kar do aa ja I'll be sleeping, I'll be acting. I'm sorry I'm late, please wake up. Kya bol rahe hai sir? Aai come sit. Kitni gandi acting ki na maine abhi। चलेगा ना? How are you? I'm doing good. मैंने आपका वीडियो देखा, वो छत्तीसगढ़ वाला देखा वो? How did you like Chief Minister? It was wonderful. Yeah. But then I saw your work with Rahul also. How did you also. You liked it? It was good. जबरदस्ती बुलवाया आपने उनको? क्या बुलवाया? क्या बुलवाया? आपकी YouTube. You will also have to say it. मैं तो बहुत कुछ बुलवाता, मैं तो इतना friendly interview कर दिया, मुझे लगा वो एक sit down interview देंगे 2 घंटे का, इसलिए मैंने वो सिर्फ दे गिव मी ओनली 15 मिनट्स, सो आई कवर्ड इट, बट दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद माई वीडियो, दे थॉट आई वॉज टू क्रिटिकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कुर्ता कहाँ से सिलवाया? सिलवाया नहीं, खरीदा हूँ। कहाँ से? प्लस।
अक्षय कुमार लग रहे हो नमस्ते लंदन के एकदम यही कुर्ता पहन के आता है वो नमस्ते लंदन में। जब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो कुगी पाजी फोन पे बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं इसको डायरेक्ट कर दूं, इसको डायरेक्ट कर दूं। उस फिल्म का नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। नमस्ते लंदन, यू मस्ट, एवरी पेट्रियोटिक इंडियन शुड वॉच नमस्ते लंदन। कटरीना है उसमें, अक्षय है, तब तो ठीक है, और देखने में अच्छा लगे। अच्छा अच्छा, कटरीना को तो ले गया विक्की, उपाय नहीं है। और सुनाओ नाश्ते में क्या खाया आपने? हाँ वो क्या बोलते हैं, सूजी, सूजी हलवा। सूजी का हलवा, बहुत बढ़िया नाश्ता है आपका यार। मैं चौथी बार आ रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट की ट्रेडिशन नहीं दिखी है। यहाँ ब्रंच होता है सुबह 6-7 बजे, तो बहुत लोग तो खाना खा के निकल पड़ते हैं। आप इसी स्पीड पे बात करते हो? हाँ, या थोड़ा फास्ट भी होते हो? नहीं बताइए। नहीं सोच के बोलना पड़ता है। नहीं सोच के तो बोलो, लेकिन जब जब मस्ती कर रहे हो तो मस्ती करो, जब पॉलिसी पे बात आएगी तब सोच के बोलना, उसमें क्या। भावेश भाई ऑडियो वगैरह सब ठीक? ये कुछ शोर आ रहा है ना, ये नेचुरल है, एक तरह का बग है। हाँ, जो इसका नाम क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं है। सिकत है ना, इनको कहाँ से मिला आप? ये हमारी टीम में काम कर रहे हैं, ये यहाँ के यूथ हैं। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मंत्री जी से सवाल पूछो, क्यों आप जानते हो क्या इनको? अंगामी, अंगामिया ना हो, हम लोग हर एक गांव का एक कैरेक्टर है। जैसे अभी इनको मच्छी पकड़ने भेज दो, जहाँ हम लोग नहीं मिलते वहाँ से भी वो मच्छी निकालेंगे। बट एवरी विलेज हैज हिज ओन कैरेक्टर। यू कैन ऑल्सो फिश? या मगर मैं जाता हूँ तो मच्छी हंसते रहता है। क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? पकड़ नहीं पाता वो। When did you realize that self-deprecating humor was working for you? I found out one thing. If I say something which is originally and naturally about somebody something, people don't take it well, you know. The world has almost lost humor. That's true. They're too serious, yaar. ये बात तो ठीक है। बहुत ज़्यादा serious हो गया और सोचते कि serious होना ही गंभीर होना वही sexy है, sassy है. Because instead of, you know, feeling bad about anybody saying anything, what do we do? As we are, we are. But aapke profession mein tough hai, especially like your party leaders, some of the central leaders are too serious yaar. Nahi aapko nahi lagta? Mujhe bhi lagta hai na. Kiska naam? Naam nahi bolta, thoda sa to bata do. Naam nahi bolta. If you've seen my videos, you know I want names. Aapko kisi se dar lagta hai central BJP leadership mein? Nahi, aisa dar wala baat nahi hai, magar bahut gambhir log, serious log hai hamare honorable होम मिनिस्टर। वो तो वो हंसते नहीं है। Why दो हंसते हंसते होम मिनिस्टर रहेगा तो थोड़ी होगा, कोई मानेगा उसको? सीरियस मैन, ही मींस बिजनेस। पता है बघेल जी के साथ क्या होता है जो आपके साथ किया मैंने? अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ सीएम के घर ना शॉर्ट्स पहन के चला गया था, एंड आई डिडंट नो कि प्रोटोकॉल ये कि अब शॉर्ट्स में नहीं जा सकते सीएम हाउस। ऐसा आई डिडंट नो, नो इन देयर इन छत्तीसगढ़, आई डोंट नो अबाउट हियर, सो दे हैड टू change protocol to let me in. So I can wear this right with you. What can I call you? Call me Along. Along. I find that very fascinating about some people who live out their whole lives in a small geographical area. हम लोग बचपन में डिमापुर के बारे में बात करते थे तो ऐसा लगते थे कि कोई यूरोप जाके आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? Obviously. तब आपका कोई रिश्तेदार था जो दिल्ली, बम्बई या इंडिया से बाहर होके आया था? ऐसा किसी को जानते थे आप? नहीं, कोई ना कोई गांव वाला में से था होगा, बट ये बड़ी फैसिनेटिंग बात शुरू हुई है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ बात जाएगी। तो इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी आती थी? लाइक डिड यू हैव टीवी इन योर हाउस? वर देयर एक्टिव न्यूज़पेपर्स इन नागालैंड लाइक मोरुंग एंड नागालैंड पोस्ट? आई थिंक नागालैंड पोस्ट, नागालैंड पेज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स। ओके, मोरुंग एंड ऑल आर क्वाइट न्यू। ठीक है, यू नो, तो वो जो पुराने वाले वो तब थे जब आप हाँ बड़े हो रहे थे? हाँ, टेलीविजन, यस, इट वॉज देयर फ्रॉम अर्ली 80s। ओके, वो बड़ा बड़ा आठ चैनल वाला टक टक करके। तो वो मोकोकचुंग में मिलता था या उसको खरीदने के लिए दीमापुर जाना पड़ता था या कोई आना पड़ता था? नहीं, या तो जोराट में खरीदता या डिमापुर में खरीदता। जोराट, असम जाना पड़ेगा। तो जैसे दिल्ली की इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन या कुछ भी, जो मिड 80s में तो इतना कुछ हो रहा था, क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती थी? क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता था या कुछ? देयर वर वेरी फ्यू लीडर्स from the state who were so adept with Delhi, except for a few like Dr. S.C. Jameer. Yeah. Otherwise, most were confined to the state and to the state issues that was more relevant. And suddenly, we have opened up and
पीपल आर गेटिंग टू नो द इंट्रिकेसी स्लोली. मज़ा आ रहा है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है यहाँ आके. देखो एक बात है, आप नागालैंड को देखेंगे, मॉडर्निटी बढ़ रहा है, ओके, ग्रीनरीज है, वेदर इज गुड, ये सब चीज़ें एक बात है, बट नागालैंड इज अ वेरी मिस्टिक एंड मिस्टीरियस कल्चरल एंड ट्रेडिशनल स्टेट. आवर पीपल डिड नॉट हैव अ रिटन स्क्रिप्ट, द नरेटिव समवेयर ऑलमोस्ट लॉस्ट, द स्टोरीज ऑफ फोकलोर एंड देन वट इज एक्चुअली हैपनिंग and what actually were practiced and happened in Nagaland is something to be found out. Now, I as a Naga, why would I say it? Okay, if you were to give me one thing of what fascinates you most about Naga history or this folklore. In tradition, there was order. In tradition, there was culture. And in all this, there were unknown mysticisms which moved the community and the people. हम लोगों को डर है कि ये सब थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये मिस्टिसिज्म चला जाएगा. वी आर नॉट वेरी पॉपुलस, जैसे तैसे करके 20-22 लाख है. एक्चुअली नागास ट्राइब्स आर इंडेंजर्ड स्पीशीज, डोंट यू थिंक सो? आई डू फील इट्स वेरी फैसिनेटिंग व्हेन आई हैव इंटरैक्टेड एंड व्हेन आई हैव गॉटन टू नो अबाउट द ट्राइबल कल्चर एंड हाउ नागालैंड अभी गाँव में बसता है. यू नो इट्स अ स्टेट विच really is living in its villages. That I find very fascinating. When I did the trek from Nagaland or Kohima to Vokha, it was very fascinating to see the landscape and then to interact in different villages. It's not only fascinating because of the viewpoint of seeing a very different kind of a village. One should try to know the way we lived our life. One should try to know in every folklore, in every song, there is something. We don't just create some kind of song and then sing it, you know. If one needs to know Nagaland, go and sit in the village. Speak with the old people. And if you can win their heart and their trust, they may tell you many things. Absolutely. And respect the local culture. Yes. And not bombard you with obnoxious tourism like we've done with North Indian hill stations. No, we really want people to come to Nagaland, but we want the people to respect our tradition, the way of life. Our traditions and culture are rooted in our villages, not in cities. Every village in and around has traditional history. You go to Kohima village, the different khels, they have their own way of doing things. Very fascinating hai, koi likhit itihas hai nahi, phir bhi wo tradition chal rahi hai. Hum log purane log hain, bahut purane hain, magar अपने बातों को लिख के नहीं रखा. कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछूं? पूछ के देखो. विच ट्राइब हैज द बेस्ट फूड? और एम आई नॉट सपोज टू आस्क दिस? आई डोंट नो, इज इट ओके इफ आई आस्क दिस? और इज इट लाइक? नो, इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल. ठीक है, ठीक है. एवरी ट्राइब हैज इट्स ओन टेस्ट. पर आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? मुझे पसंद है सेमा ट्राइब का फूड, अच्छा लगता है. ओके. अखुनी एंड ड्राइड पोर्क. अखुनी उनका है? हाँ. अच्छा. सेमा ट्राइब के साथ दोस्ती करेगा तो हाथ मिला के जाने में आपको कम से कम दिल्ली तक तो आपका दोस्ती रखना पड़ेगा. अखुनी का जो स्मेल है ना, इट इज सो कंडक्टिव टू वेर यू हैव टच. इसलिए बोलते सेमा के साथ दोस्ती करेगा तो पूरा लंबा निभाना पड़ेगा. अच्छा है. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ करप्ट इज नागालैंड पॉलिटिक्स? से 4. ओके. डू यू एवर हैव टू डील विद पीपल हु यू नो आर करप्ट एंड यू स्टिल हैव टू डील विद देम? करप्शन सिर्फ पैसा लेने देने से नहीं होता है. Corruption is lack of being able to do the right thing in the right place at the right time. Corruption can also be looking selfish of working only for me and mine than working for people. ठीक बात है. मगर 7-8 सालों में काफी बदलाव आया है, नीतियां बदला है. You didn't answer the second part of my corruption question. Do you ever have to deal with people who you know are corrupt? I'll be very honest. मैं 4 point इसलिए बोला आपको 1 to 10 में, it's because of lot of negligence, okay, और ignorance. पर favoritism की बात तो यहाँ भी होती है, tribe को लेके ही. इंसान में वो रूह में है. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नागालैंड में खास अलग से है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ. पर चूंकि आप नागालैंड के मंत्री हैं इसलिए आपसे तो नागालैंड की ही बात करूंगा ना. Can I ask you a very honest question? टेमजन, आप बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हैं इसलिए अलोंग. टेमजन ने आपको अलोंग बोलना है. ऑनेस्ट सवाल है, प्लीज कैन यू क्रॉस योर हार्ट एंड से दैट यू डोंट एवर डू फेवरेटिज्म, यू डोंट इंडल्ज in what could be slightly problematic practices? Because to win elections, to run a party in a state, obviously you can't accept it on camera, I get that. No, but there are obviously some things you have to do, no? Favoritism in the sense... मतलब क्या, जैसे
करता हूँ इलेक्शन में अल्कोहल भी बटना ओके आई वॉज देयर इन द इलेक्शन दिस टाइम आई वॉज ऑन वन डे आई वॉज वो मैं नहीं बांटता हूँ आप नहीं बांट लोग बांटते हैं हाँ लोग पीने वाला पीता है एंड इट्स द फैक्ट इन नागालैंड इट्स द फैक्ट नाम के लिए ड्राई सेट करके रखा हुआ है इट्स नो मोर ड्राई एवरीवेयर वेट सो डू यू थिंक प्रोहिबिशन शुड मूव अवे बिकॉज सिविल आपकी सिविल सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोहिबिशन से ही ब्लैक मार्केटर्स ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और जिसको पीना वो तो पिएगा यही मैं नागालैंड में सुनता हूँ देखो एक बात है आज समय बदल चुका है अभी पीने वाला पीता है अभी या तो आप इसको हिपोक्रिटिकली मतलब तामझाम दिखा के हम लोग नागालैंड में कोई दारू नहीं पीता है बोल के बंद करके रखो या तो आप तरीका से सरकार की मदद से प्रॉपर वाइन स्टोर्स खोले अबव एज में सेल हो एक लिमिटेड लाइसेंस के हिसाब से दे ऐसा होगा तो ठीक होगा ना नहीं उनसे नकली दारू पी रहे हैं बहुत लोग उसको लटक लटक के मर रहे हैं इट्स सो डेंजरस यार ऑब्वियसली और रेवेन्यू पूरा दूसरे राज्य को दे रहे हैं सी वी हैव गॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन आवर स्टेट ये नहीं बोल रहा हूँ कि दारू बेचना खुल्लम खुल्ला बेचो और अब रेवेन्यू बढ़ाओ ये नहीं बोल रहा हूँ बट हिपोक्रेसी में रहने का बदली तो हम लोग सच्चाई में रहे ना So, किसी have you voiced this in like cabinet meetings? मैं तो बार बार बताया हूँ हमारे मुख्यमंत्री को भी हमने बताया ये बात कि खोलना चाहिए फिर इज देयर नो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट और विल इट हैव टू मच पॉलिटिकल आउटक्राई ऐसा नहीं है हमारी जो चर्च बॉडीज है वो भी अच्छा ही सोचता है वो सोचता है कि कोई दारू ना पिए मतलब घर में मारपीट ना हो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो बच्चे लोग मतलब बेवड़ा ना बने ये सब चीज़ें वो लोग भी अच्छा ही सोचता है मगर आज के समय विश्व खुल चुका है नहीं पीने वाला आदमी को आप जितना भी जबरदस्ती करो नहीं पिएंगे पीने वाला आदमी को आप नहीं भी देगा उसको टून मिलेगा आपको कहीं भी हो ऐसे ही होता है तो व्हाई नॉट मेक इट अवेलेबल इन द राइट वे गिव देम गुड अल्कोहल एब्सोल्युटली अच्छी बात बोली आपने व्हाट इज द क्रेजीएस्ट पार्टी एक्सपीरियंस दैट यू हैड अरे कहीं दिल्ली में एक दोस्त के साथ पार्टी में गया था दिल्ली में बस उसका वीडियो वायरल हो गया ये कब हुआ अरे दो तीन जब आप एक डांस कर रहे थे वो वाला बोल रहे हो क्या हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा था ठीक है यूजुअली वॉशरूम के लिए जा रहा था हाँ। तो वो जगह क्रॉस करना था हाँ। तो वो अच्छा सा स्त्री जो था वो नाच रहे थे तो वो मैं भी और वो जो फ्लेक्स जो है ना पार्टी में जो वो हाथ वाथ में लगा हुआ था डांस करते करते कर दिया उसका बाद निकल गया अभी कौन से कोपचे वाले आदमी ने मुझे फंसाने के लिए वो फोटो ले दिया कहाँ पार्टी करते हो दिल्ली में नहीं अभी कल नहीं जाता हूँ आजकल अब आप ज्यादा सीरियस हो गए अपने पॉलिटिक्स को लेके आप इतनी चिल बात नहीं करते ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं है फंसाने वाला बहुत रहता होता है कौन फंसाएगा आपकी सोसाइटी इतनी ओपन है इतनी लिबरल है आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है आप लोग दिखते इतने सुंदर हो दैट्स वन थिंग आई रियली मतलब अपने अपने कंजर्वेटिविज्म जरूर होंगे पर इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग एंड गोइंग आउट आई डू फील दिस इज अ मोर लिबरल सोसाइटी यहाँ वो चीज़ अलग नजरिए से नहीं देखते हैं हाँ मतलब स्कूल चिल्ड्रन ओपनली डेटिंग हियर एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच इज फाइन मे बी नो कमेंट्स आई डिड नॉट से नो कमेंट्स यू सेड मे बी एवरी यंग बॉय और गर्ल दे मे हैव यू नो इनफेचुएशंस एंड ऑल नेचुरली तो बात है एक लड़का एक लड़की को देखेगा तो एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल नहीं ना या लड़की लड़का सी In many places in our country, because of not being able to assimilate this man and woman to grow together, in many societies, the problem is happening. Correct. But here in Nagaland, we are so used to. आप क्या करते हो रात को 12-1-2 बजे अपने फोन पे? नहीं सोने से पहले जो भी अपने पार्टी का ग्रुप्स है वो भी देखता हूँ. लास्ट में सोने के समय Blackpink देखता हूँ. Very nice. For how much time? 10-15 मिनट जब तक सो जाए. सपने में आ जाए क्या सोच के आज तक आया नहीं ऐसा ही होगा वातावरण चल रहा है आजकल सनातन धर्म के नाम पे मुझे आपसे इस बार बात करनी है आप बीजेपी के हो मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड टू सीक गॉड ठीक है वो आपका मानना है अच्छी बात है अच्छी बात है क्रिएटेड बाय गॉड मेन कैन नॉट डिविएट फ्रॉम सीकिंग गॉड बट व्हाइल सीकिंग गॉड We should also remember to be inclusive. We should also remember that every one of us are brothers and sisters. In the name of religion, many battles have been fought, but it has come to only annihilation of each other. Let faith be personal.
एंड लेट अस ऑल ग्रो टुगेदर, वी शुड नॉट ब्रिंग हार्म टू ईच अदर। बहुत बढ़िया। हर कोई बीजेपी में ऐसा नहीं मानता है, ऐसा मुझे लगता है। डेमोक्रेसी है, नहीं डेमोक्रेसी में तो आप दूसरे का हार्म नहीं मान सकते ना। यू कांट थिंक अबाउट हार्मिंग द अदर, दैट्स नॉट व्हाट अ डेमोक्रेसी इज। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इन बीजेपी देयर आर पीपल हु वांट्स टू हार्म अदर्स। ओके, मैंने जितना तक देखा, ठीक है ठीक है। और हर एक जो चिल्लाते हैं और गलत बात बोलते हैं वो बीजेपी नहीं हो सकता। हाँ, हर पार्टी में है, तो हर पार्टी में माइनॉरिटी हेटर्स हैं, ये तो मैंने खुद देखा है। देयर आर माइनॉरिटीज आल्सो हु हेट द मेजॉरिटी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सो आई थिंक वी नीड टू बी इंक्लूसिव पीपल। और बागेश्वर बाबा तो आई एम आल्सो ए ग्रेट फैन ऑफ हिम। अरे यार, पर आर यू सीरियसली सेइंग वन कैन राइट अ पर्ची एंड दिस इज अ सुपरनैचुरल थिंग, यू बिलीव इन दैट? हर एक व्यक्ति में ईश्वर कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो देते हैं, आशीष देते हैं। पर संविधान की आपने बात की अलोंग, संविधान बोलता है ना साइंटिफिक टेंपर को बढ़ावा दो, साइंटिफिक टेंपर से ही तो आगे बढ़ेगी बात। कब तक हम इरेशनैलिटी में रहते हैं? संविधान जो है, हाँ, सबसे अच्छा ख्याल से राष्ट्रीय हित में बिल्कुल लिखा गया, बेस्ट, और हम सबको उसको रखना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नागालैंड के विषय में भी मिस्टिसिज्म है एंड इट इज रेलेवेंट। अभी वो संविधान में ढूंढता है तो नहीं मिलेगा ना। बट संविधान में लोकल ट्रेडिशन को जिंदा रखने की बात तो सिक्स शेड्यूल में भी की गई है। तो ऑब्वियसली बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको बताऊंगा कि यहाँ के कुछ चुनिंदा लोग हैं, अलग अलग पुराने गांवों में ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिट इज टाइगर, हाउ डू यू डील विद देम? हम कैसे बताएंगे आपको? देखो, वो अगर छोटा लोकल ट्रेडिशन रहता तो एक बात है, लेकिन इतनी इरेशनल बात आप प्रोपेगेट करते हो एक न्यूज चैनल्स में, तो वो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। या तो हम सत्य बातों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या तो हम लोग किसी की ओपिनियन को सुनना नहीं चाहते हैं, या वो गलत हो जाता है। वही तो प्रॉब्लम है ना। कितनी भूख लग रही है आपको? लगा यू आर द गेस्ट एंड द होस्ट एट द सेम टाइम, सो यू थोड़ा चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ भी लाइट कम हो जाएगी ना। चलिए चलो। फेवरेट एक्टर ओल्ड टाइम अमिताभ बच्चन, न्यू टाइम दबंग सलमान खान एंड अक्षय कुमार। कोई पॉलिटिकल किस्से बता दो फनी सर। पॉलिटिकल फनी होता है? आपने इंटरव्यू नहीं देखा छत्तीसगढ़ सीएम में? मैंने देखा है। फनी नहीं लगा आपको? बेचारा मैं देख रहा था कि आप कैसा ले रहे थे उनका इसीलिए इतने सीरियस आए हो ना आज। वो देखने के बाद मेरा कोप से हट गया उसी के बाद सीरियस बैठे हो कि नहीं मेरी नहीं ले पाएगा ये लड़का नहीं, नहीं, अरे नहीं यार, मैं मजे लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो पॉलिसी की बात करता हूँ। हम तो छोटे छोटे मिनिस्टर हैं, हम वो बड़े मुख्यमंत्री। इतना भी हम्बल मत बनो भाई, नागालैंड बीजेपी चीफ हो आप। वो तो आज है कल नहीं रहेगा परसों, वो उनका भी भाई है पोस्ट, उनका दिसंबर में इलेक्शन है। और आपने एक बात बोल दिया उनको, क्या जो जो मुख्यमंत्री आपके साथ इंटरव्यू होता है वो नहीं आएगा वापस? पूरा देखा है मतलब आपने? अगर वो नहीं आया आपका गलती नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मैं सोच रहा हूँ योगी जी का इंटरव्यू ले लूँ फिर योगी जी इंटरव्यू नहीं देगा आपको नहीं देंगे वो जीत के आएंगे। हाँ नहीं, वो तो आई होप सभी लोग इलेक्शन जीते। मैं तो चाहता हूँ एक ही इलेक्शन हो, कांग्रेस भी जीते बीजेपी भी जीते सेम इलेक्शन। अच्छा, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि कोई हारे ही ना। तो ऐसा हो तो आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं बन जाऊंगा अगर आप बनाना चाहें, लेकिन मैं मोदी जी के अलावा किसी को नहीं देख सकता। ये आपने गलत बात बोली है, मैं बस बोलना चाहूंगा। अरे वाह मुझे फंसा रहे हो अभी। शीशे में देख के क्या बोलते हो अपने आप को? हाउ क्यूट आई एम। पता है ना आपको, आप बड़े क्यूट हैं, पता है ना? नहीं देखो, आप लोगों को तो फोटो लेंगे तो आपको आगे से लेगा तो कुछ अलग पोस्ट देखेगा, साइड से लेते हैं। इस बार असेंबली में भी ऐसा हुआ, सब नया विधायक गण हम लोग तो एकदम ताम झाम करके आप लोगों की तरह वो लाइट वाइट लगा के कैलेंडर में चाहिए, कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम में फोटो चाहिए। बुजुर्ग से बुजुर्ग लेके जवान से जवान लोग बहुत बढ़िया से फोटो लिया, कोई सीधा करके लिया, कोई साइड करके लेते, कोई पोज करके लेते। हम तो किस तरह से भी ले तो वही गोल निकलता है। आपका तो मल्टी फैसेटेड होगा फोटो लेने में, आगे पीछे मेरी अच्छी नहीं आती। हमारा कहाँ अच्छा आता है? आप इतने क्यूट लगते हो। भगवान ने आप लोगों की तरह हैंडसम नहीं दिया तो क्यूट तो बनाना ही था। हैंडसम जितना आप लोगों का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकाला सब मेरे ऊपर डाल दिया।
हम्बल आदमी हो आप. आई ट्राई. कितनी एरोगेंस है अंदर, दिल के अंदर, सच बताओ कितनी है कि पी जाता हूँ. कौन सा ब्रांड आप, कौन से ब्रांड पूछे तो एब्सेंट टाइम नहीं पीता हूँ. कौन से टाइम नहीं पीता? आप कौन से पीते हो? मेरे को अभी अभी इस वक्त तो बियर ही पसंद है. यहाँ का राइस बियर जरूर पीना. जरूर 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 पी. वो लीगल है? वो लीगल है? दैट्स ट्रेडिशनल ड्रिंक. ओके सो दैट कैन बी कंज्यूम्ड. यस ओके दैट्स गुड. देन कैसा था आपके बचपन का नागालैंड? कैसा था? दो मिनट इस पर इंडल्ज करते हैं. बचपन का नागालैंड बहुत परिस्थिति गंभीर थे. उस समय में उग्रवादियों का बहुत सारे समस्या थे. शाम के अगर 2-3 बजे तो सब दुकानें बंद हो जाते थे. स्कूल के बाद 1-1.5 घंटे के बाद तो सब कुछ बंद ही हो जाते थे. अभी का परिस्थिति बहुत अलग है. कोई एक बस एक प्यारी याद सुना दो, दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ. आई रिमेम्बर गोइंग टू फिशिंग विद माई फादर. दैट कुड बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स. वो बुलची बोलते हैं हम लोग, वो बम्बू में रस्सी में एक हुक लगा के करेगा. तो घर से चल के नदी में चलते थे. आई थिंक दोस आर मेमोरीज दैट यू कैन बाई विद मनी. करेक्ट. नॉट विद पावर और पोजिशन. दोस आर थिंग्स दैट आर इनसाइड योर सोल. चाहे वो छोटा सा मच्छी कोई निकलता हो तो भी कितना खुशी होता था. इट वॉज लाइक ए प्राइज कैच, यू नो दैट ऑल्सो टू बी विद द पापा एंड देन टू बी देयर. सो दोस आर मेमोरीज. Many a times, I think, today we forget that. I forget that. Many families forget that. What is your biggest weakness? अगर अगर मैं आपको इसका जवाब दूँ तो आप सोचेगा ये और diplomatic answer है. नहीं नहीं आप बताओ. जिंदगी भर सीखना है. बिल्कुल सीखना है. बहुत सारी कमियाँ हैं. एक एक करके तो गिन नहीं सकते. एक ही बता दो. एक अच्छा से अच्छा सुनो. बोलो. बहुत जल्दी मैं किसी को विश्वास नहीं करता. तो ये तो स्ट्रेंथ है. But it takes hell lot of a time, na? But what are the things that make you trust someone? Tell me now honestly. Like how do you trust someone? उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए? अगर आप हमारे आँखों को देख के हमारे मन में क्या है उस परिस्थिति में आप अगर नहीं समझते हो तो बोल के भी आप कैसे समझेंगे? पर बोल के थोड़ी दूरियाँ कम हो सकती हैं. आप सब कुछ बोलेगा तभी मैं समझूंगा ये जरूर नहीं है. समझना पड़े. शायर आदमी हो आप. शायर नहीं हो, रियलिटी है. कुछ लिखते हो? नहीं लिखता हूँ. What is the one thing about BJP that you think can be improved? What is the one thing about your party that you don't like? ग्रासरूट का आवाज़ को परखना चाहिए, सुनना चाहिए. ग्रासरूट की बातों को अलग अलग स्थानों में अलग अलग परिस्थिति है, वहाँ की लोकल डायनेमिक्स को भी समझना चाहिए. ओके. सुनना चाहिए. बहुत कुछ बोल तो दिया आपने इस बात में. बहुत विशाल बात है. राजनीति में किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी स्थान को आप वंचित नहीं कर सकते हैं. ठीक बात. आप मणिपुर का ट्रेजेक्टरी देखिए. बुरा नहीं बोल रहा हूँ. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. बहुत सालों से दंगा नहीं हुआ. बहुत सालों से कानूनन जो व्यवस्थाएं हैं बहुत बढ़िया चल रहा था. मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा था. चुनाव में प्रचंड आवाज से जीत के आया. मगर ऐसा एक कांड हो गया, एक छोटे सी चीज से इतना बुरा हो गया. हम लोग किसको दोषी समझे? तो वहाँ का रीजनल पल्स थोड़ा अलग है ना. कांग्रेस ने रीजनल पल्स नहीं समझा इसलिए वो छूट गया पूरा पूर्वोत्तर से. नाम बोलने में बुरा लगता होगा मगर वो रियलिटी वाला बात है. अच्छा बोला आपने. नागालैंड जैसे, मणिपुर जैसे, मिजोरम जैसे में बेचीता बातें बहुत हैं. उसको समझना जरूरी है. समझना जरूरी है. बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज तो हैं. बिल्कुल. ये कौन सा बोले बोला? क्रेजी. क्यों क्रेजी है? क्योंकि इट कैन डू एनीथिंग. इट डजंट हैव अ प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी. व्हिच पॉलिटिकल पार्टी यू थिंक द बॉल इज? मैं वही सोच रहा था. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. व्हिच लीडर डू यू थिंक इट इज? आई थिंक दिस रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड दैट्स द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आल्सो. सही बात है. रोमांटिसाइज भी कर दो, क्रिटिसाइज भी कर दो. इंसान नहीं तो रिप्रेजेंट. आइडियोलॉजिकली अलोंग हाउ आर एनडीपीपी एंड बीजेपी डिफरेंट आइडियोलॉजिकली एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली नागालैंड? भारतीय जनता पार्टी नागालैंड हैज नो अदर डिफरेंट आइडियोलॉजी देन द आइडियोलॉजी व्हिच दिल्ली कैरीज. श्योर. वी आर वन एंड इंक्लूसिव. आवर लीडर्स, आवर जेपी नड्डा जी, आवर मोदी जी और अमित शाह जी, they listen to us, they give us the time to say our grievances, our thoughts, our works,
And so they understand some difficulties which we face here and some plus points which are here. NDPP is a regional party with a national outlook. That's why they are partners with us. Correct. Our leaders trust them. That's asking, is there any ideological difference that you see, or is it just two different parties but similar ideologies? Not similar ideologies, two different parties. The NDPP party looks more at the state's issues in relation to the state's issues. The BJP party would always look at the national, state issue with regards to the national perspective. Got it. 1, 2, 3 स्टार्ट नहीं हेडलाइन पता है क्या होगी कल मंत्री जी ने तोड़ा यूट्यूबर का हाथ नहीं नहीं ऐसा नहीं आ जाओ आ जाओ 1, 2, 3 अरे बाप ओ ओ आ जाओ जान लगाओ आ जाओ नहीं पूरा एकदम मोदी जी को याद करके अरे अरे मोदी जी आपने कन्हैया वाला देखा नहीं नहीं तो मैं कम्युनिस्ट लगा कि नहीं लगा आपको आप हाँ मेरे को वाला तो मैंने नहीं देखा मेरा मेरी असेसमेंट तो मैं क्या लगा फिर आपको संघी हूँ कांग्रेसी हूँ कौन हूँ मैं जब मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम को अपने इंटरव्यू लेते हुए देखा सोचा कि ये तो संघी है तो फिर हमारी दोस्ती तो बननी चाहिए थी नहीं हाँ दोस्ती तो है ही है बिल्कुल है फिर दैट वॉज द क्लास दैट यू प्रेजेंट क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इतना हाँ। सीनियर मुख्यमंत्री को बुलवाना इतना आसान नहीं है ठीक बात है एंड यू कुड डू दैट परफेक्टली वेल थैंक यू और जब आपने राहुल गांधी जी को आपकी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जबरदस्ती किया तब मालूम पड़ा कि परसुएसिव भी है वो खुशी खुशी से आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला बिल्कुल भी नहीं बोला उसने वो बोला चलो बोल ही देते तो हट जाएगा एंड आई डोंट थिंक यू आर ए कम्युनिस्ट और बीजेपी और यू नो कांग्रेस और एनीथिंग बट आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू द बीजेपी आइडियोलॉजी अच्छी बात है तो आपको ऐसा लगा तो क्योंकि नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू नो नो इट इज नॉट फ्लैटरिंग एट ऑल यू हैव इन योर थॉट्स आई थिंक नेशन कम्स फर्स्ट I mean, love comes first, compassion, and so obviously, that means nation. That means I would say the constitution, to put it in one word, the constitution. That is very important. It is a wonderful document. Do you read often? I do. What are you reading right now? Twitter messages and Instagram. Arre! Do you understand how the system works now? Or it is very important to understand. What is one thing that someone like me, who's outside the system, does not get about the system? For anything and everything in the system, there is a place, but one has to be consistent and one has to be patient enough to allow things to happen. Many people don't know. Many people go to a road and then say, sarak kharab hai, abhi tak kyun nahi ban raha hai. Aise thori hai ki patak ke aake ban jayega. Kuch system hai. Us system ke anusar chalna padta hai. Paan bahut khate hain yahan pe aur thookte bahut hain. Thoda kuch karo is culture ka. Daant ko bacha ke rakhne ka sabse acha kaam paan aur chuna hai. Lekin thookna thodi hai kahin bhi. Is baar se bol dunga ki mat thooko andar dal do. आप तो गुस्से ही हो गए ऑफेंड ही हो गए आप तो नहीं आप तो ऑफेंड हुए अभी अभी सारे नागास हैं अभी सेट पे जितने भी हैं नहीं अभी अगर वो पान तामूल भी खाना अगर बंद कर दिया ना नहीं नहीं मैं बंद नहीं करा रहा भाई मैं मुझे भी पान पसंद है मैं भी मीठा पान खाता हूँ कोई टेंशन नहीं तामूल खाना तामूल खाओ जैसा खाना है बनारसी सादा खाओ लेकिन तो जो खाना खाओ नहीं बोल रहा हूँ मगर यहाँ का कल्चर में हम लोग सुपारी का पेड़ तामूल है थूकने वाला कल्चर थोड़ा कम कराऊंगा कम थूकने के लिए बोलूंगा ठीक है और सही जगह में थूकने के लिए स्पिटून्स बना दो ना हर जगह बस हो गया वो कौन उठाएगा अब यार मुझे सब लोग वही जाके थूकने लगा तो जो जो डस्टबिन साफ कर रहा है वही स्पिटून भी साफ करेगा सैनिटेशन स्टाफ या तो एक एक लोटा लेके घूमे ढक्कन वाला हाँ भाई खुद की सफाई रखो ना जैसे बाहर तो किसी का पेट भी अगर सूसू पॉटी करता है तो वो अपने आप ही साफ करते हैं ना यूएस यूरोप में देखो तो एक कल्चर तो है दिल्ली की भी कुछ सोसाइटीज में कल्चर है कि भाई अपना पेट भी अगर कुछ सूसू पार्टी कर रहा है सॉरी टू यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू बट एवरीवन डज इट सो आई थिंक आई कैन उसमें क्या सॉरी करने के बाद है हर कोई सूसू करते हैं पार्टी पोटी हाँ बोल दिया टट्टी बोलो अरे यार ये तो ज्यादा फ्रैंक हो गया आप उस कैमरा में देख के
एक बार अपना एक्सपीरियंस बता दो और बताओ लोगों को कि अनफिल्टर्ड बाय समतीश को सब्सक्राइब करें. इफ यू वांट टू हियर एनीथिंग क्रेजी एंड इफ यू वांट टू वॉच वंडरफुल अनफिल्टर्ड प्रोवोकेटिव समतीश, काइंडली सब्सक्राइब समतीश's चैनल अनफिल्टर्ड बाय समतीश. समतीश सब्सक्राइब करना कोपचे में. नॉर्थ ईस्ट में ही बताओ कौन से लीडर को पकड़ूं. त्रिपुरा से एक इंटरव्यू हो गया त्रिपुरा मोर्चा के लीडर का प्रद्युत का, आपका भी हो गया, अब कहाँ जाऊं. हिमांता विश्वास वो तो करना ही चाहिए पर लोग जानते होंगे. समवन माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो एंड यू शुड आल्सो आफ्टर सम टाइम इंटरव्यू माय डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैट्रन. करा दो फिक्स. यू कैन टॉक टू पैट्रन साहब. कम ऑन यार करा दो पर थोड़ा गैप रख रख के. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. डन.